हरियाणा बीजेपी ने बारजार नहर का त्रिपुरा हस्तनी कचा मंत्री अक्र एवा राज्यसभा एमपी विप्लव कुमार देव सालब्रम बदल एंगे सामंग खाई तंगो कक्ति सालकाश कक्थम पांडानी बिशिंगती कांग्रेस बदल न ठीक चारी कुलखा बोती बोसाखा कांग्रेस ने अबहाय दशा अंगान हने वन सुगु सुदू मानिया कांग्रेस दाबुक नुखुबा नाइकल जग बदल बरक ने अबहाय दशा नई वन सुगु सुदू मानिया कांग्रेस सुदु कैसा नुखुंग तंगसीओ हने कक्ति सालक कांग्रेस न कुलखा हरियाणा प्रबरी एबा एमपी ते त्रिपुरा ने गचा मंत्री अक्रा विप्लव कुमार देव बोते बोसाखा फाइने चंगमारी हापंग ते के बंगनाई बदल बारजा सिनी बदल सिपाही रग्न खलाइने हिनी आशाल कक्तम पांडव अबहाने शाखा विप्लव कुमार देव ऐसे तो विरोधी पक्ष हमको दिखता नहीं, छोटे मोटे यात्रा में उनको दिखाई देता है और कांग्रेस तो आप एक परिवार का पार्टी हो गया। कांग्रेस का इतना दुर्दशा हो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कांग्रेस इस तरीके से एक परिवार का एक विशेष संप्रदाय का राजनीति नहीं करती कि नेशनल पार्टी है। जो हरियाणा में इतना दुर्गति हुई जो एक परिवार तक रह गया है वो तो बाकी सब लोगों को भी अपने साथी जो कांग्रेस के लोग हैं लीडर हैं उनको भी दर्शकिनारे कर दिया गया है। किंतु इससे हमको खुशी होने की तो कोई बात नहीं, हम चाहते हैं सशक्त विरोधी पार्टी रहे, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। किंतु आप जहां तक मुझे लगता है मैं इस राज्य का प्रभारी हूं, सरकार एवं विरोधी पार्टी दोनों का भूमिका हमारे कार्यकर्ता को निभाना पड़ेगा अगले इलेक्शन से, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं। चुनाव अभी आया नहीं, चुनाव अभी एक साल दो साल बाकी है, पहले लोकसभा चुनाव लड़ लेते हैं और मोदी जी को 10 के 10 सीट हरियाणावासी देंगे, आप भी देंगे। मुझे पता कि मोदी हमारे मजबूरी है, मोदी को रखना ही पड़ेगा, मोदी है तो हम सशक्त है और हम लोग स्वाभिमानी रूप से अपना काम कर सकते। हरियाणा रगे बीजेपी बदलने तेब क्रा खलाई तंग त्रिपुरा हस्तनी कचा मंत्री अक्र विप्लव कुमार देव कक्ति साल बूथ कमिटी ने अजमा रगना तीय कगलामा आचोखा विप्लव कुमार देव ब्यूरो रिपोर्ट ककरण।